इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों ने अपने तरीके से इस टॉपिक को समझाया है और इस क्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसमें देखने को ये मिला कि बच्चे भी एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, जो दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि बच्चों में भी एक अच्छा टीचर का गुण विकसित हो सके और सीखने सिखाने में मदद मिल सके। थैंक यू। और नेटवर्क कैसे?